नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं और कन्हैया झा का घर है। यहां देख सकते हैं बच्चे फुलझड़ी छोड़ रहे हैं और गांव में चारों तरफ आतिशबाजी हो रही है। जो उनके समर्थक हैं वो फूले नहीं समा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि यहां पर लोकप्रिय नेता जो 10 वर्षों से यहां पर थे उन्हें हराकर और कन्हैया झा ने जीत दर्ज की है, उसकी खुशी लोग मना रहे हैं। ये सामने देख सकते हैं जो यहां पर कन्हैया झा की यहां बहन है, पिता है, मां है, आसपास की जो महिलाएं हैं, जो समाज की चाची दीदी सभी लोग यहां पर आकर शुभकामना दे रहे हैं। खासकर महत्वपूर्ण बात बता दें कि उनकी धर्मपत्नी भी ने भी काफी गर्मजोशी से लोगों का स्वागत किया, लोगों का सम्मान किया। उनके दरवाजे पर जब हम गए तो खासकर उनकी जो बहन थी काफी खुश होकर सभी लोगों को मिठाइयां खिला रही थी। बड़ी बात बता दें कि यहां पर हम इंटरव्यू सुनाएंगे कन्हैया झा, उसके बाद उस गाँव के जो युवा हैं हरिओम झा, उनका, उनकी बहन, उनकी जो धर्मपत्नी है, उनके पिता, उनकी माँ, सभी लोगों का इंटरव्यू सुनाएंगे। कितने लोग खुश हैं देख सकते हैं। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि काफी देर के बाद जब कन्हैया झा का काफिला गांव पहुंचा, काफी गर्मजोशी के साथ उनके समर्थक यहां पर उनका सम्मान करने के लिए पहुंचे थे। सबसे महत्वपूर्ण अगर बहादुरपुर की बात करें तो ग्राम पंचायत सीट से जो मुखिया जो जीते हैं उसकी अगर बात करें तो बहादुरपुर देकुली से सुरेश कामत, कुशोथर से बसंत झा, बरवारा से नईम बानोपति गुड्डू है, हरिपट्टी से कैलाश कुंवर बाबा निवर्तमान मुखिया है, प्रेम जीवर से जिशान जुफारुकी है निवर्तमान मुखिया है, टीकापट्टी देकुली से श्यामनंदन यादव, उगड़ा महापारा से निरंजन यादव निवर्तमान मुखिया है, उगड़ा से शोभा देवी पति नारायण जी झा, बसतपुर से कुमारी नीलम स्वर्गीय नागेंद्र मांझी की पत्नी निवर्तमान मुखिया है, रामभद्रपुर से चंद्रशेखर झा उर्फ कन्हैया झा यहां पर उनकी जीत हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें उसके बाद खराजपुर से रीना देवी, तरारही से रूपम सिन्हा, अझोल से निक्की कुमारी, जलवार से मनोज सिंह सिंह, सिमरा निहालपुर से दिनेश पासवान, मनियारी से किरण देवी, जनक पासवान उनके पति हैं, बाजितपुर से चंद्रा देवी देवी, पूर्व प्रमुख बहादुरपुर दिलावरपुर से प्रियंका कुमारी, मेघना वेदा से दयाराम, पिंडरी से नागेश्वर पासवान, खैरा से शशिकला देवी पति परमानंद सिंह, बियुनी नंदामा से अजीत चौपाल, डरहार से पूजा चौधरी पति पप्पू चौधरी, जिला परिषद सीट से विजेता उम्मीदवार हैं 7/1 से सीता देवी पति शंभू पासवान, 7/2 से सुमित्रा देवी पति हरि पासवान, 7/3 से सुजाता कुमारी पति पुनेश्वर दास। विशेष कवरेज देख सकते हैं, हजारों के संख्या में जो ग्रामीण थे, जो घूंघट में महिलाएं थे, वो सड़क पर आकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, उनका अभिवादन कर रहे थे। कन्हैया झा का काफिला पूरे गांव में घूमा, सभी देवी देव स्थान पर जाकर आशीर्वाद उन्होंने लिया, मां दुर्गा के स्थान पर जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। यहां पर जो देख सकते हैं सभी लोग इनका पाग माला चादर के साथ स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, ब्रह्मस्थान में इस वक्त वो आशीर्वाद ले रहे हैं। उनकी दीदी जो है उनसे इंटरव्यू सुनाते हैं। देखिए पूरा कवरेज, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, सभी लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। देखिए पूरा कवरेज भारत उदय समाचार पर। वहीं एक बार रामभद्रपुर पंचायत की अगर बात करें तो बता दें कि यहां पर उज्ज्वल कुमार को 642 मत प्राप्त हुए, कमल दास को 36 मत प्राप्त हुए, चंद्रशेखर झा जो विजेता रहे हैं 1284 मत उन्हें प्राप्त हुए हैं, कन्हैया झा, तरुण कुमार मिश्र जो 63 मत प्राप्त हुए, रामचंद्र यादव 114 मत प्राप्त हुए, राम सागर राम 25 मत, विवेकानंद झा 32, शशि शेखर 33, सतीश कुंवर 22, सज्जन कुमार ठाकुर 27, सुमन कुमार सिंह जो 1272 रहे हैं सेकेंड विनर रहे हैं। खासकर सोमेश्वर झा की बात करें तो यहां उन्हें 73 मत प्राप्त हुए हैं। देखिए पूरा कवरेज, आपको इंटरव्यू सुनाते हैं। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर करिएगा। जीत जो मिली है, कितने खुश हैं आप लोग? यहां अबीर भी लगा हुआ है, मिठाई बांट रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहते हैं? सारे पंचायत के लोग के लिए धन्यवाद देते हैं, और ये मेरा लड़का पूरे पंचायत का लड़का जी। ये बताएं कि खासकर विकास की बात अगर करेंगे तो कैसे आप लोग पंचायत के लोगों का दिन रात कहेंगे कि तुम करो विकास का काम, समाज सेवा करो। आपके नजर में खासकर जो गांव के लोग हैं उनको क्या चाहिए? उनको जिस चीज का कमी होगा वो सब मेरा बेटा पूरा करेगा। क्या नाम हुआ आपका? हृदय भाई की जीत हुई, आप बहुत खुश हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं, मिठाई बांटने के लिए आए हैं, मेरा भाई मुखिया पद लिए हैं, इसीलिए बहुत खुश हैं और समाज का सेवा करेंगे, उसमें हम लोग बहुत खुश रहेंगे। ये बताएं कि एक खासकर महिलाओं को सम्मान के लिए अगर बात अगर आएगी पंचायत में तो आप कैसे अपने भाई को कहेंगे कि महिलाओं का सम्मान हो या विकास हो, कैसे करेंगे? एकदम सम्मान करेंगे मेरा भाई महिलाओं को, विकास के लिए जो आगे बढ़ने का जो होगा, महिला को जो आगे बढ़ने का काम होगा वो मेरे भाई करवाएंगे, कि कोई भी महिला घर में बैठ करके नहीं, मतलब दिक्कत से नहीं रहेगी, उसको आगे बढ़ने का मतलब चांस मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। कैसे आशीर्वाद दे रहे भाई को? जीत हुई है, कितने खुश हैं आप? आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्यवाद। मेरा नाम हमरा पूरा पंचायत के हमरा चुनले हन बेटा के,
बेटा के आशीर्वाद दिलन हन। हम अहिना पंचायत के हम से अहिना हम खुश रहते महिला आयल सबके हम मिठाई खुआ रहल छिए हम सब के समाज के हम सब खुश रखबे। पंचायत के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? पंचायत बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? सरिता देवी। आज आप लोगों की जीत हुई है। आज मैं बहुत खुश हूँ जी, और सारे पंचायत वासी को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये पद हमें दिए हैं। मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। कैसे सेवा करेंगे पंचायत वासियों का? जैसे हमेशा मतलब 5 साल तक ऐसे ही जैसे किए मेरे हस्बैंड जी, अभी सारे पूरे 5 साल तक ऐसे ही सेवा करती रहूंगी। क्या नाम हुआ? नेहा जाओ, प्रियंका। ये जीत जो है इसको क्या नाम देंगे आप? देखिए सबसे पहले तो तमाम जनता को नमस्कार करना चाहेंगे, और ये रामभद्रपुर पंचायत की जनता की जीत है, ये सिर्फ हमारी जीत नहीं है, और ये भ्रष्टाचार पर भी एक विजय है जो हमारे पंचायत में आज 10 वर्षों से व्याप्त था, और जनता ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वर्तमान जो भी प्रधान है वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। काउंटिंग हॉल में भी हमको टॉर्चर करने का कोशिश किया गया बहुत तरीके से, लेकिन जनता हमारे साथ ही, और सत्य का विजय हुआ है, असत्य का पराजय हुआ है, और हम जो भी जनता से वादा किए हैं उसको 100% निभाने का कोशिश करेंगे, और हम ये वादा करते हैं रामभद्रपुर पंचायत की जनता से कि हमारे कर्म से, वाणी से या हमारे काम से उनको कभी तकलीफ नहीं होगा, और समय मिला है तो उसका उपयोग हम करेंगे, और ये प्रयास करेंगे कि बिहार लेवल पर में रामभद्रपुर पंचायत नंबर 1 पर जाए। तालियां तालियां तालियां। राजी एक बात खासकर ये खबर आ रही थी कि काउंटिंग हॉल से भी कुछ बड़े नेताओं को फोन किया जा रहा था कि हमें बचा लीजिए, क्या ये बात आप क्या कहना चाहते हैं इस बात? देखिए ये बात सही था लेकिन हम अपने कान से नहीं सुने हैं या नहीं देखे हैं, लेकिन इतना बात तय था कि जिस तरीके से वो लोग कर रहे थे उसमें साफ था कि किसी भी तरीके से हमको मतलब इसमें 12 मतों का अंतर था जिसको चाह रहे थे वो लोग की रिकाउंटिंग करा करके इसको भाई जबरदस्ती कर, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार जी की सरकार है और जीरो टॉलरेंस पर चल रही है तो हमको पूर्ण विश्वास था इसमें किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ी नहीं होगा, और जिसको कि प्रशासनिक महकमे ने अपनाया भी और रिकाउंटिंग नहीं किया गया, चूंकि एग्जिट था 2-3 बार काउंटिंग हॉल में ही दिखा दिया गया था कि भाई किस तरीके से क्या मतदान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन प्रशासन भी हमको साथ दिया और किसी भी तरीके का कोई भी हाई प्रोफाइल पर भी उनका काम नहीं किया, और ये जनता की जीत है, और सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीत है ये, ठीक है, और हम जो भी वादा जनता से किए हैं उसको निभाएंगे। खासकर कितना समय लग गया इस जीत के लिए अगर बात करें, कितना साल का आपका? देखिए 10 साल से लगभग हम इसमें 15 साल से हमसे सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन 10 साल से हमने 2 बार चुनाव हारा, 1 बार सरपंच का, 1 बार मुखिया का, और हम जनता के साथ खड़े रहे इसीलिए जनता इसका सम्मान हमको दिया इस बार, और 1284 मत हमको प्राप्त हुआ और वर्तमान ग्राम प्रधान को शायद 632 मत के आसपास आया, तो इससे ही अंतर से आपको पता लग सकता है जो किस तरीके से है, और जो चुनाव बीत गई है तो इसमें ज़्यादा हम चुनाव प्रक्रिया पर नज़र नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन तमाम ये चक्रव्यूह रचने का अभिमन्यु को मारने की कोशिश इस पंचायत में तमाम नेता ने किया, लेकिन भगवान का इसमें हम एक बात कहना चाहें, पूरे तरीके से चक्रव्यूह रचने का साजिश किया गया, और जहां तक हम बताए 6 महीने से वर्तमान ग्राम पंचायत का प्रधान का कोई भी विरोध नहीं किया, वो सिर्फ हम पर लगे रहे, लेकिन जनता का ऐसा आशीर्वाद मिला कि जनता के सहयोग से ही हम इस चक्रव्यूह को भेद करके हम निकल पाए और आज हम विजय हुए हैं, ये जनता की कृपा है। आज विद्रोह से आपको डर भी लग रहा था? नहीं, विद्रोह से कोई डर, चूंकि जनता मेरे साथ थी, अगर हम जनता हमको एक ही बात कही कि आप 1 कदम चलिए हम आपके साथ 10 कदम चलेंगे, इस राह पर हम चले। किस वादों के साथ आप चुनाव लड़े थे? देखिए सबसे बड़ी बात 3 वादा तो प्रमुख था यहाँ पर हमें, किसी भी परिवार को चलाने के लिए जिस तरीके से जाना है भोजन वस्त्र और आवास की आवश्यकता होती है, हमारे पंचायत में सबसे पहले बैठने का ही व्यवस्था नहीं था, कोई पंचायत कार्यालय नहीं था, कोई RTPS काउंटर नहीं था, किसी भी तरीके की किसी भी काम के लिए आपको ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है या मुखिया जी के दरवाजे पर जाना पड़ता है, और सबसे पहला फोकस ये किए कि हमने जनता को बोला कि नहीं सबसे पहले पंचायत सरकार भवन होना चाहिए जहाँ पर मैं सारी जनता आ सके। दूसरा सबसे प्रमुखता है नाला, आज 20 वर्षों में कम से कम 15 वर्ष से निश्चित है कहीं भी नाला का जल जमाव सबसे बड़ी समस्या हमारे पंचायत की है, जिसको के लेकर के हमारे ग्रामीण आपको मुख्यमंत्री जी तक गए थे, ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पंचायत में है, और तीसरी भ्रष्टाचार, हर एक मामले में पैसा,
आप किसी भी काम के लिए जाइए तो उसमें पैसा। ये स्थिति हो गया इस पंचायत का कि मैं आपको ये मुंह से नहीं कर रहा हूँ, आप पता कर लीजिए कि किसी भी कोई भी काम, जन्म, मृत्यु, आय प्रमाण पत्र, आवासीय जन्म प्रमाण पत्र, किसी भी तरीके का काम के लिए भ्रष्टाचार व्याप्त था। हम सबसे बड़ी बात है कि आप अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी जनता के सेवक होते हैं, वो मुखिया जी का दरबारी नहीं करेंगे, वो जनता के दरबारी करेंगे। और इस बात को हम लागू करेंगे इस पंचायत में, तो जनता डायरेक्ट कर्मचारी से रूबरू होगा, मुखिया जी के दरवाजे पर नहीं जाना। कुछ समय हमको चाहिए, क्योंकि ये पंचायत पूरे तरीके से दरवाजे पर चलती थी, चाहे आज 20 साल से, उसको हमको बाहर निकालने में, व्यवस्था करने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन हम आपको वादा करते हैं, तो तमाम जनता को, मुखिया को नहीं खोजना पड़ेगा, वो आएंगे कार्यालय पर में, और वहां पर में RTPS काउंटर पर आएंगे, कार्यालय पर आएंगे और तमाम काम करा के जाएंगे। और हम ये भी वादा करते हैं कि हमारे पंचायत में जो भी कर्मचारी हैं, उनका जो भी सरकार का या BDO साहब का नियम होगा, उसके अनुकूल उनको पंचायत में समय देना पड़ेगा। एक सेकेंड करना ही होगा, इसमें हम कोई समझौता किसी भी तरीके पर नहीं करेंगे। और हम ये बात कह दिए हैं, किसी भी तरीके से हम इस बात को लागू करेंगे और सरकारी कर्मचारी और पंचायत की जनता को रूबरू होगा और यहाँ से दलाली भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। डायरेक्ट जनता अपना काम खुद कर्मचारी से करेगी। एक अंतिम सवाल है आपसे कि हजारों लोग जो आपके लिए सड़क पर आकर आशीर्वाद दे रहे हैं, उस जनता के लिए, खासकर माँ बहन जो घूंघट में महिलाएं थी, उनको भी हमने सड़क पर देखा है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही चीज तो हमको जीत हासिल कराई है, यही जो एक दिल से समर्थन होता है, जिसके चलते हमारी जीत हुई है। हम तमाम जनता को धन्यवाद। हम कुछ भी कर लेंगे, हम उनका ऋण नहीं सजा सकते, हम उनका ऋणी है। कुछ ऐसा काम होता है जिसको भी किसी काम करा कर करके भी आप उसका ऋण चुकता नहीं कर सकते। इतना अपार प्यार जो हमको मिला है, इतना जन समर्थन जो हमको मिला है, ये हम जिंदगी भर के लिए जनता के लिए ऋणी है। ये ऋण हम कभी नहीं उनका चुकता कर सकते हैं। और हम ये बात वादा करते हैं कि मेरे मन से, मेरे वाणी से, कर्म से, कभी उनको हम ठेस नहीं पहुंचने देंगे, कभी तकलीफ नहीं होने। राजनीति का सफर बहुत ही कठिनदायक रहता है। आपके माँ और पापा की खासकर देखा हूँ कि आंसू जो है वो खुशी का आंसू, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे माँ पापा का था कि हमारे परिवार, हम भी शुगर के पेशेंट हैं, कुछ बीमारी भी है, लोगों का ये था इतना दिन सब राजनीति में लगे हुए हैं, अब सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि ये होता है, जीत हार एक अलग बात होती है, लेकिन एक जन समर्थन, जन सैलाब जो मेरे साथ था, एक आशीर्वाद जो मेरे साथ था, वो सबसे बड़ी जीत है मेरे लिए। और हम माँ पापा जी के लिए कहेंगे कि बहुत आशीर्वाद दिए हैं और उनके ही चरण कमलों से सफलता हमको मिली है। इन युवाओं के लिए कुछ आपके पास? नहीं, युवाओं के लिए तो है, युवाओं के लिए हम एक मार्गदर्शन का काम करेंगे और युवा के लिए जो भी सरकारी योजना है बन पड़ेगा, बिहार सरकार की पंचायत स्तरीय जो योजना है, चाहे वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं उनको लोन की आवश्यकता है, या कोई पढ़ाई करना चाहते हैं उसको एजुकेशन लोन की आवश्यकता है, कोई बकरी पालन, गाय पालन, जो भी जो चीज करना चाहते हैं, हम उनका जरूर प्रयास करेंगे कि हर संभव हो। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि हम ये वादा करते हैं तमाम जनता से, इस सप्ताह में एक दिन मेरा जनता दरबार लगेगा और जिसमें ऑन द स्पॉट निराकरण होगा, तमाम हमारे पंचायत के कर्मचारी उसमें बैठेंगे और पंचायत स्तर पर में पंचायती राज विभाग का या मुखिया का जो काम होता है, उसमें जो भी कोई समस्या जनता की आएगी, वो ऑन द स्पॉट हम जाकर बाजार समिति से लेकर जनता के बाजार समिति से लेकर रामभद्रपुर के दुर्गा मंदिर तक जिन लोगों ने आपका स्वागत सम्मान किया, आपको कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा, बहुत हौसला बढ़ा, जनता ने हमको हमारे पक्ष में करके, और हम तमाम जनता से ये भी मांग रहे हैं कि हमको पंचायत चलाने का भी आशीर्वाद दें। और बहुत हमको इतना खुशी का एहसास हुआ, हमको नहीं लगता है कि आजादी के बाद आज तक पंचायती राज जब से चालू हुआ तब से आज तक इतना जन समर्थन किसी भी हमारे पंचायत के मुखिया के पास हो, इतना जन समर्थन मेरे पास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा है और आपने जो प्रयास किया था पंचायत के लिए, क्या कहना चाहते हैं? आज जीत हो गई है जाके। देखिए, चुनाव लड़ना और लड़ाना एक रणनीति का हिस्सा होता है और उसमें केवल एक आदमी का प्रयास कहीं पे कम नहीं रहा है। जितनी इनके पीछे आपको दिखने में भी लग, यहाँ पे जो सामने दिख रही है प्रत्यक्ष रूप से है और अपरोक्ष रूप से, लगभग हमको लगता है कि हजारों की संख्या में जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो परोक्ष रूप से लगे हुए हैं,
खासकर किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने में सबसे बड़ा उनका रोल होता है व्यवहार का। इनका जो व्यवहार रहा पूरे पंचायत में, चाहे महिलाओं को लेकर के, चाहे युवाओं को लेकर के, या चाहे वृद्ध होकर के, बचपन से लेकर 55 तक के सभी के वर्गों के साथ, सबों के साथ समान व्यवहार जो इनका रहा है और आदरपूर्वक जो व्यवहार रहा है, वही इनको आज विजय के परिणाम के रूप में देखने को मिला है हम सब के बीच में। आज किन मुद्दा को लेकर आप मुख्यमंत्री जी के पास गए थे? हम गए थे कि यहीं पे वार्ड 4, वार्ड 2 और पूरे पंचायत में 10 वर्षों में एक भी नाला निर्माण नहीं हुआ है। उसी नाला निर्माण को लेकर के हम लोग गए थे, क्योंकि नाला निर्माण की वजह से बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन घरों में जो है वर्षा हल्की सी वर्षा होने के कारण जो है सो पानी उसमें जल जमाव की स्थिति हो जाती है। उसी जल जमाव की स्थिति को निराकरण को लेकर के हम लोग यहाँ जनप्रतिनिधि सवाल उठाए थे, नहीं सुने उन्होंने, नकारा, प्रशासन तक मदद लिया हम लोग, लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दा को संज्ञान नहीं लिया। इनके ऊपर कितना विश्वास? इनके ऊपर विश्वास है युवाओं को, उन्होंने आज तक अभी तक 10 वर्षों में किन्नी के साथ छोड़ा नहीं है। पिछले वर्ष इनको 400 वोट अगर मिला था, ये केवल 400 वोट के लिए मुखिया थे, वो 400 के लिए मेहनत किए ही, साथ ही साथ किन्नी को तोड़ा नहीं, इन्होंने अपने साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और उन्हीं की बदौलत है कि आज वही 400 इनको 1200-1300 बन के इनको इनके साथ आज विजय। क्या नाम हुआ? हरिओम झा। कहना चाहते हैं आपने पादमाला छात्र के साथ सम्मान किया इनका, क्या कहना चाहते हैं? ये सही बोले हैं कि कन्हैया जी की जीत नहीं है, सारी जनता की जीत है। हरिओम, और ये जनता के लिए काम करेंगे, इसके लिए हम आशीर्वाद देते हैं और ये जितना वचन बोले हैं उनको पूरा करेंगे, ये हमें विश्वास है। एक ईमानदार मुखिया के लिए क्या लग रहा है कि जनता का सपोर्ट मतलब कितना चाहिए? बहुत चाहिए, जनता सपोर्ट करेगा तभी ना हम सक्सेसफुल होंगे, तो जनता भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है और ये काम करने के लिए भी तैयार। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद देते हैं, ये मेरी आशीर्वाद। आपका नाम क्या हुआ अपना? जगदेव झा। जीत हुई है, क्या कहना चाहते हैं पंचायत के लोगों के लिए? जो पंचायत में आज से पहले जिस तरह से पंचायत चल रहा था उससे बेहतर चलेगा और हम उसको जो है सो चलाएंगे। इससे पहले आप क्या थे? उप सरपंच थे। कितने वोटों से आपकी जीत हुई है? 10 वोट से। खासकर किन वादों के साथ आप सरपंच में पद के लिए उम्मीदवार बने थे और जीत हो गई आपकी? इसलिए बने थे कि आज उप सरपंच रहते हुए हम रामहतपुर के जनता को बहुत, रामहतपुर पंचायत पूरे पंचायत के साथ जो है सो हमको अच्छा लगाव रहा, हमने अच्छा काम किया, निष्पक्ष डिसीजन दिया और ये सब उसी सब के चलते जो है सो हम सरपंच पद पर में जो है सो अथी हुए। रात के 10 बजे इतने लोग आपके लिए खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं लोगों के लिए? हम सबको अपने हृदय से बधाई देना चाहते हैं कि हमारे लिए ये सबों ने हमको जो है सो मदद करके यहाँ तक पहुँचाया है, इसके लिए मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ। पूरा नाम आपका? हरिकांत झा। रामबद्र।